हिमाचल प्रदेश में बारिश के तांडव के बाद सड़कें अवरुद्ध हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में जुलाई और अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन औंधे मुंह गिर गया है। पर्यटन कारोबारियों के साथ सरकार को भी इससे करोड़ों की चपत लगी है। शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि बरसात के बाद डरावना दृश्य दिखाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को नुकसान हो रहा है। पर्यटन से जुड़े कारोबारी, टैक्सी चालक और घुड़सवारी कराने वाले के साथ सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री को इसका नुकसान जो है सरकार को भी हो रहा है और करोड़ों रुपए का नुकसान है। दिल्ली जो हमारा ये पर्यटन रुकने के कारण जो हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिनों में जुलाई अगस्त के अंदर 70-80% ऑक्यूपेंसी हुआ करती थी ड्यूरिंग वीकेंड्स, और 40-50% ऑक्यूपेंसी रहती थी, नो डाउट डिस्काउंटेड रहती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ होगा। और हम लोग जो डायरेक्टली नहीं हम बात करते, इनडायरेक्ट लोग भी जुड़े हुए हैं, लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, बेचारे गरीब लोग प्रैम चलाते हैं, उनका भी रोजी रोटी पे करती है, ये इस तरह से करके ट्रैवल एजेंट्स हो गए, ये सब लोग जो सालों की रोजी रोटी, दुकानदार हो गए, शोरूम्स हो गए, सारे इनके डिपेंडेंट मैक्सिमम तो टूरिज्म के ऊपर ही है। तो ये जो चीज़ है अभी हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए कम से कम, क्योंकि अगर सितंबर से बात करें तो मिड सितंबर से लेके और फरवरी तक जो है गुजरात से टूरिस्ट आता है, बंगाल से टूरिस्ट आता है, अगर हमारी यही इसी सीन को हम दिखाते रहेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए, ताकि वो तो चीज़ जो हो रही है वो हो रही है, मगर उसे हम थोड़ा पॉजिटिव भी दिखाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है जो टूरिज्म को जो है इतना नुकसान ना हो और टूरिज्म पटरी पर आना शुरू हो। इंक्वायरीज आनी शुरू थोड़ी थोड़ी हुई हैं, मगर ये राइट टाइम है कि हम नेगेटिव पार्ट को थोड़ा कम दिखाएं और पॉजिटिव पार्ट को ज़्यादा दिखाएं, तो उससे एक उनमें जो है एक विश्वास बनेगा टूरिस्टों के अंदर, वो बुकिंग करने चाहेंगे तो प्रॉपरली बुकिंग कर पाएंगे। तो यही रहेगा कि हमें जो है पर्यटक, अभी भी अगर आप देखें शिमला में तो कोई ऐसी इशू नहीं है कि शिमला में आदमी माल रोड पर घूम रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप उस पार्ट को भी दिखाएं, मगर साथ साथ थोड़ा हमें अब पॉजिटिव साइड भी पर भी काम करने की आवश्यकता है, ये हमारा आग्रह है मीडिया से। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।